हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप रुलखन यूनिवर्सिटी का यूजी, पीजी या फिर बीएड या किसी भी अदर कोर्स का जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है उसे अपने घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप भी किसी भी कोर्स का, चाहे आप रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स हों या फिर प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स हो, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। आपको अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, सप्लीमेंट्री वैक इम्प्रूवमेंट लैपटॉप प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म लॉगिन, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन करने का जो पेज है ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट एग्ज़ाम टाइप में आपको इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है, जो लास्ट ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट का, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर था जिसके द्वारा आपने एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन है कॉन्टिन्यू का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद आपको सिलेक्ट डिग्री में अपना कोर्स दिखाई दे जाएगा और उस कोर्स को आप यहां पर चूज़ कर लेंगे, यानी कि इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि ये बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो बीएससी फाइनल ईयर आ रहा है। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स होंगे तो बीए आएगा, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे तो बीकॉम, एमए के स्टूडेंट्स होंगे तो एमकॉम यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बस इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी और इसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टिक लगाना होगा। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप नहीं हैं तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। फिज़िकली हैंडीकैप मतलब दिव्यांग जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे एक बार अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का जो नेक्स्ट पेज है ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका जो फोटो सिग्नेचर ये ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं फोटो सिग्नेचर को, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना फोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये आ जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इम्प्रूवमेंट पेपर कोर्स है, तो अब आपको यहाँ से उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है जिस सब्जेक्ट का आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है व्यू पेपर्स का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके कोर्स में जितने भी पेपर्स, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स हमें यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि हम कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, वो अपना रिज़ल्ट भेजते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह से परेशान होते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, केवल उन स्टूडेंट्स को फिल करना कंपलसरी होता है जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में परीक्षा में अब्सेंट हो गए थे, यानी कि वो पेपर नहीं दे पाए थे, या वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनको भी फिल करना कंपलसरी है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म केवल एक सब्जेक्ट और एक ग्रुप और पीजी कोर्सेज में एक पेपर में ही फिल किया जा सकता है। अगर आप किसी एक पेपर में या एक सब्जेक्ट में फेल हैं या अब्सेंट हो गए या आपके मार्क्स कम आए, ठीक है, मार्क्स कम आए यानी कि आपके नंबर कम आए, तब भी आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम डाल सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, सारे सब्जेक्ट में सही मार्क्स होते हैं, लेकिन तभी वो रिज़ल्ट भेजकर जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट में आपके अंक सबसे कम हैं, सबसे कम नंबर कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं, आप उसी सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट होगा वो अब्सेंट वाले सब्जेक्ट से फिल करेगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट में फेल होगा वो फेल वाले सब्जेक्ट से अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से पास हैं, सभी में सही मार्क्स हैं, तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म
फिल कर सकते हैं और दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हम अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, तो आप उस सब्जेक्ट से फिल कर दीजिए जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स हो, ठीक है। और आप इस तरह से अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो आपको सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ करना है चलिए एक बार आपको बता देते हैं। शुरू में जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुए थे उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे थे पेपर पर, ठीक है, इस तरह से जब हम क्लिक कर रहे थे किसी भी पेपर के बॉक्स के सामने, तो केवल एक ही पेपर सिलेक्ट हो रहा था। अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक बॉक्स में सिलेक्ट किया है लेकिन दो पेपर सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो एक साथ तीनों पेपर सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक बार रिसेट करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसे रिसेट करते हैं एक बार और ये बॉक्स से टिक हट चुके हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स पर एक बार टिक करता हूँ और नीचे के जो दोनों पेपर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे। देख लीजिए ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी कि पहले क्या था यहाँ पर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, अभी वेबसाइट पूरी तरह से सही हो चुकी है। लेकिन फ़ीस की जो प्रॉब्लम है, फ़ीस अभी भी पे नहीं हो रही, जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है फ़ीस पे नहीं हो रही है। फ़ीस के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना रखना, फ़ीस भी पे होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप ये समझ लीजिए आपको एक सब्जेक्ट के सारे पेपर ही देना होंगे, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट के सारे पेपर देना होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी कोर्स कर रहे हैं, तो फिजिक्स का ये सब्जेक्ट है, हमने ऊपर वाले बॉक्स पर टिक लगाया तो नीचे के जो दोनों पेपर हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपको तीनों पेपर देना होंगे फिजिक्स के अगर आप फिजिक्स का इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करते हैं। इसी तरह से अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीए में आपका हिंदी का सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आपके जितने भी पेपर होंगे दो होंगे या तीन होंगे, ठीक है, तो दोनों या फिर तीनों पेपर ही आपको देना होंगे, एक सब्जेक्ट के सारे पेपर आपको देना होंगे। तो आप जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करें तो आप देख लें, एक चीज़ ये देखें यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, तीन पेपर हैं, तो आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स में टिक लगाएं, नीचे के जो दो बॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे। अभी एक बार फिर से मैं आपको रिसेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने रिसेट कर दिया, ये अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे कि आपका ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें तीन पेपर हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो पेपर है ये सबसे ऊपर की साइड में आप इस वाले बॉक्स पर टिक लगाएं। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। जब जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स में टिक लगाएं, ये नीचे के जो दो बॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आपको इसी तरह से सब्जेक्ट चूज़ करना है, अगर आप गलत तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप समझ गए होंगे आपको जिस भी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है उस सब्जेक्ट के सारे पेपर यहाँ पर शो होंगे, आपको सबसे ऊपर वाले बॉक्स में टिक लगाना है, नीचे के दो सब्जेक्ट या जो भी एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे लास्ट पर, एक बार फिर से रिसेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लास्ट वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट, तो ऊपर के जो सब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिकली फिल नहीं होंगे। देख लीजिए इस तरह से अगर हम इसे एड पेपर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी देखेंगे आपका जो है केवल एक ही पेपर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एक पेपर आ रहा है, लेकिन आपको एक पेपर नहीं लेना, आपको तीनों पेपर लेना है। अभी हम दोबारा से व्यू पेपर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पेपर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है आपका फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका और भी सब्जेक्ट होंगे तो उसका भी फर्स्ट पेपर आपको मिल जाएगा, उस फर्स्ट वाले पेपर ही पर ही आपको इस तरह से टिक लगाना है, नीचे के दोनों पेपर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में अगर आपका नॉट क्लियर है तो उस पर भी आप टिक लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से एग्ज़ाम दीजिए। अगर इन्वायरमेंट में नॉट क्लियर है तो उस पर भी आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ये इन्वायरमेंट का, ये फिजिकल एजुकेशन का है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऐड पेपर पर क्लिक कर देना है। टिक लगाने के बाद इस तरह से आप ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो पेपर हैं, ये जो सब्जेक्ट आ चुके हैं, सब्जेक्ट के तीनों पेपर आ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, ये सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक मैसेज शो होगा, आर यू श्योर टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, आफ्टर फॉर्म सबमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अगर आप इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह का जो चेंजेस है वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सारी चीज़ें पहले चेक कर लेना, अगर सारी चीज़ें सही हैं तभी आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाता है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है नेक्स्ट का। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक
और दोस्तों इसके बाद आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये परीक्षा शुल्क का विवरण, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इस वाले बॉक्स में एक बार आपको टिक लगा देना है। अभी क्या है, ये फीस की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर शो नहीं हो रही है और फीस पे करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज है 13 जनवरी, ठीक है, और लगभग 9 से 10 के बीच का समय, सुबह 9 से 10 के बीच का समय, इस समय फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी आपको वेट करना है और लगातार चेक करते रहना है इस वाले बॉक्स में टिक लगाकर। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे फ़ीस पे करने का ऑप्शन आता है आप अपनी फ़ीस पे कीजिए, एग्ज़ाम फॉर्म के जो प्रिंट आउट है उसे निकालिए और अपने संबंधित कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।